माय चैनल निशाज बास्केट। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आप लोग सब ठीक होंगे, खुश होंगे और मजे में होंगे, और हम लोग भी एकदम ठीक है। और आज मैंने सोचा कि एक स्पेशल तरीके की जो मैं भिंडी बनाती हूँ, मैं बहुत पहले उसको इस रेसिपी को शेयर करना चाहती थी लेकिन मैं नहीं कर सकी। लेकिन आजकल भिंडी बहुत अच्छी मिल रही है, कच्ची कच्ची। तो ये देखिए मैं आपको बताती हूँ, मैंने यहाँ पर आधा किलो भिंडी ली है जिसको मैंने काट लिया इस शेप में, मतलब पीछे से भी काटा आगे से भी काटा और इसको मैंने इस शेप में काटा और बीच में से मैंने कट लगा दिया ताकि मसाला इसके अंदर जज्ब हो सके। अब आधा किलो भिंडी के लिए मैंने 3 यहाँ पर प्याज लिए हैं और इसको मैंने आपको बताया था ना, मैंने अंजलि चॉपर में मैं इसको चॉप करती हूँ, मुझे बहुत ही बारीक चॉप करना था तो ये वो मेरे को हेल्प करता है एकदम बारीक चॉप करने के लिए। 2-4 दाने मैंने जीरे के इसके साथ ही डाल दिए क्योंकि मुझे इसी में इसी के साथ उसको डालना था। हींग ली है और यहाँ पर मैंने जो मसाले लिए हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। मैंने आधा टीस्पून हल्दी पाउडर लिया है, 1/2 टीस्पून मैंने लाल मिर्च पाउडर लिया है और 1.5 टीस्पून मैंने धनिया पाउडर लिया है और 1/2 टीस्पून मैंने आमचूर पाउडर लिया है यानी कि ड्राई मैंगो पाउडर और ये मैंने 1 टीस्पून मैंने भुना जीरा लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं ये जो भिंडी है मैंने यहाँ पर तेल अंदाजे से डाल लिया है और ये भिंडी मैं इसमें सबसे पहले फ्राई करूंगी और सब भिंडी को एक साथ डाल देंगे क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमको डीप फ्राई करनी है, हमको जितना तेल में भिंडी पकानी है उतने ही तेल में भिंडी ये फ्राई करनी है। जब तक इसका थोड़ा कलर चेंज नहीं हो जाता हम इसको फ्राई करेंगे। अच्छा इसको फ्राई होने देंगे थोड़ा और इस भिंडी को मैं हमेशा बोलती हूँ मसालेदार भिंडी, मसालेदार सूखी भिंडी। यस फ्रेंड्स, अब हम इस भिंडी को निकालना शुरू करेंगे। आपने देखा कि ये भिंडी ने अपना कलर चेंज करना शुरू कर दिया है तो इससे आपको पता पड़ जाता है कि हाँ भिंडी अभी फ्राई हो गई है। उसको हम निकाल लेंगे। तेल और डालने की जरूरत नहीं है, इसी तेल में हम करेंगे। सबसे पहले फ्रेंड्स इसमें मैंने देखिए ये प्याज है, इसमें ही मैंने जीरा डाल दिया। सबसे पहले हम इसको डालेंगे, अच्छा इसको पकाएंगे। फ्रेंड्स इस स्टेज पे हम जब ये प्याज ब्राउन हो रही है इस स्टेज पे हम 1 चम्मच देसी घी का डालेंगे, प्योर घी का। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। ये फ्रेंड थोड़ी सी ब्राउन होना शुरू हो गई है तो अब हम इसमें मैंने 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, 2 हरी मिर्च ली हैं। हरी मिर्च से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है तो मैं जरूर डालती हूँ। थोड़ा सा इसको पकने देंगे साथ में और इसी समय हम हींग डाल देंगे, 1/4 टीस्पून हम हींग डाल देंगे।
लीजिए प्याज और हो जाए। यस, अब हम इसमें जो भिंडी हमने फ्राई करी थी वो हम ट्रांसफर कर देंगे। और फ्रेंड्स, मैंने ये मसाला आपको बताया था कि हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, आमचूर पाउडर और जीरा पाउडर, ये सारा इसमें हम डाल देंगे। यह स्पेशल इंग्रेडिएंट है। मैं अभी मैगी मसाला डालूंगी। मैं पास्ता मसाला भी बहुत अपनी सब्जियों में यूज़ करती हूँ और मैगी मसाला भी मैं हाफ टी स्पून डालूंगी। फ्लेम को स्लो कर देंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा अंदाज से नमक डालेंगे क्योंकि मैगी मसाले में भी नमक होता है, तो ध्यान से। सबको मिलाएंगे अच्छी तरह, कोई पानी का छींटा नहीं डालना। ये अपने इसी मसाले में गलेगी और इसको एकदम धीमी आंच पर, सबसे धीमे स्टोव पर आप रखें। बीच में कट इसलिए लगाती हूँ ताकि मसाला अंदर तक जाए और उसका जो फिक्कापन है वो खाते समय हमें फील ना हो। इसको मैं ढक दूंगी क्योंकि मेरी पीछे की जो फ्लेम है वो बहुत स्लो है, तो मैं इसको ट्रांसफर करूंगी। आप थोड़ा वेट करेंगे और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। यस फ्रेंड, भिंडी अभी हो गई है, मसालेदार भिंडी एकदम रेडी है। फ्लेम को स्विच ऑफ कर देंगे। वाओ, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और भिंडी एकदम गल भी गई है। भिंडी में मैं पानी नहीं डालती, ना मैं दही और ना मेरे को टमाटर। इस तरह की भिंडी में मैं सिर्फ यही मसाले डालती हूँ और मैं इसको प्लेटिंग करके दिखाती हूँ। यस फ्रेंड्स, मेरी मसालेदार भिंडी एकदम रेडी है। उम्मीद है कि आपने स्टेप बाय स्टेप देखा होगा। बहुत जल्दी यानी कि 5 मिनट में बन जाने वाली ये रेसिपी है। उम्मीद करती हूँ कि आप जरूर इसको बनाएंगे। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको मेरी ये रेसिपी, आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो फ्रेंड्स इसको लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और काइंडली सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग में, एक नई रेसिपी या एक डेली रूटीन या स्पेशल मोमेंट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू एंड टेक केयर।